टू माई चैनल। आज हम व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक्स या लिसानियात क्या होता है, इसके कितने ब्रांचेस हैं और ये किस चीज़ के साथ डील करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, लिसानियात क्या होता है। लिंग्विस्टिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। लिसानियात जो है वो दो लातीनी जबान से मिलकर बना है। फर्स्ट लिंगवा एंड सेकेंड स्टेक्स। लिंगवा का मतलब है टंग यानी जबान। स्टेक्स मीन्स नॉलेज ऑफ साइंस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिसानियात जो है वो जबान के बारे में इलम देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है या जबान के साथ डील करता है। तो इसके कॉमन डिफिनेशंस यही है। फर्स्ट, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। लिसानियात इंसानी जबान के साइंसी मुताले को कहते हैं। अब ये साइंसी मुताला कैसा है ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो सेकेंड डिफिनेशन यही है कि इट इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज। और थर्ड, इट इज अ लेंस थ्रू विच वी एनालाइज अ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा लेंस है जिसके जरिए हम जबान और उसकी साख को साख की तर्जिया करते हैं। जबान जो है हर जगह पे पाई जाती है, ठीक है, ये हमारे सोचों को अल्फाज देती है, हमारे एहसास को जो है आवाज़ देती है। तो अगर जबान हर जगह पे है, आज जहाँ जिस मुकाम पे हम हैं वो जबान ही की वजह से है, तो इसके लिए भी एक इलम का ब्रांच है जिसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो जबान और उसकी साख जो है, साख में क्या चीज़ें आती है, साउंड्स आते हैं, वर्ड्स आते हैं, ठीक है, वर्ड्स की तरतीब होती है, उसकी मीनिंग्स होती है। तो ये चीज़ें लिंग्विस्टिक्स में पढ़े जाते हैं। क्या ये साइंसी मुताला है? वाई इज इट साइंटिफिक? तो ब्लूम्स फील्ड एक लिंग्विस्ट है, वो कहता है कि लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस एज वेल एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज अ साइंस। लिसानियात एक साइंस है जिस तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साइंस है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके एक नतीजे पे पहुंचते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स भी यही तरीक़ाकार अख्तियार करता है। इट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स इस्तेमाल करता है। साइंटिफिक मेथड्स में क्या चीज़ें आती हैं? वो सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करते हैं किसी जबान के कि किस तरह उसे बोला जाता है, उसमें अल्फाजों की तरतीब क्या है। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा में सर्वे आ जाता है, इंटरव्यूज आ जाते हैं, रिटन रिकॉर्ड हो जाता है, जबान की तारीख देखी जाती है। फिर फॉर्म हाइपोथेसिस आ जाता है कि ये फिनोमेना इस जबान के बारे में है। फिर उस हाइपोथेसिस को, जो डेटा कलेक्ट होता है, उसके जरिए उसको टेस्ट किया जाता है। फिर जो है एक थीरी दी जाती है। तो ये स्टेप जो भी फॉलो करता है सब्जेक्ट, उसे हम साइंटिफिक जो सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी तरह लिंग्विस्टिक्स भी इस स्टेप से गुजर के हमें जबान के बारे में नज़रियात देता है। तो हम लिंग्विस्टिक्स को भी साइंटिफिक कह सकते हैं। अब जो है लिंग्विस्टिक्स डील्स विद द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चार सवाल के साथ वो डील करता है, चार सवाल का वो जवाब जवाब देता है। सबसे पहले, व्हाट इज लैंग्वेज, जबान क्या है। हाउ इट इज लर्न, इसको कैसे सीखा जाता है। हाउ इट इज डिवेलप्ड, जबान किस तरह बनी, पहले कैसे थी, आज तक किस हालत में है। और हाउ इट इज यूज, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मुआशरे में कैसे इस्तेमाल होती है जबान, और माशरती वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जबान पे असरअंदाज। लैंग्वेज, जबान क्या है, इसके बारे में लिंग्विस्टिक्स जो है वो प्रॉपर्टीज, इंसानी जबान की खासियत को देखता है और उसके अंदरूनी साख्त को। अंदरूनी साख्त में क्या चीज़ें आती है? साउंड्स, फॉर्म और मीनिंग। मिसाल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ तो मैं साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, ये साउंड आपस में मिलके अल्फाज बनाते हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में जो होता है। और उन अल्फाज को फिर एक तरतीब दी जाती है। मैं एक तरतीब से बोल रहा हूँ इसलिए आपको समझ आ रही है, ठीक है, उर्दू में अल्फाजों की एक तरतीब होती है, उस तरतीब से मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ रही है, ठीक है। फिर इन अल्फाज
के मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। वो मीनिंग्स जो है वो प्रॉपर मैं अगर कन्वे कर रहा हूँ तो ही आप समझ रहे हैं। तो हर लैंग्वेज की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उन इंटरनल स्ट्रक्चर में तीन बुनियादी चीज़ें हैं, साउंड्स, फॉर्म और मीनिंग। अब साउंड के साथ जो लिंग्विस्टिक्स के ब्रांच डील करते हैं वो है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, फॉर्म के साथ जो डील करते हैं वो है मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स, मीनिंग के साथ जो डील करते हैं वो सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स है। फोनेटिक्स किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स इन देयर फिजिकल एस्पेक्ट्स। ये ह्यूमन स्पीच साउंड का मुताला है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश जबान में 44 साउंड्स हैं, इसमें 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और जो है 20 वॉवल्स हैं। अब ये 44 साउंड जो है, इस हर साउंड के क्या खसूसियात है, उसको किस तरह वोकल ट्रैक में प्रोड्यूस किया जाता है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होता है, ये चीज़ें हम फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिनोलॉजी जो है इसमें द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड इन देयर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स, इसमें पैटर्न्स ऑफ साउंड पढ़े जाते हैं कि 44 साउंड ऑफ इंग्लिश जो है वो किस तरह आपस में मुख्तलिफ तरीके से मिल के मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं, अनलिमिटेड वर्ड्स बनाते हैं। इसमें फिर इंटोनेशन भी आ जाता है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, ठीक है। इसमें स्ट्रेस भी आ जाता है कि अल्फाजों पे कहाँ पे स्ट्रेस देना है, और इसमें सिलेबल्स भी आ जाते हैं कि एक अल्फाज में कितने सिलेबल्स होते हैं। तो आगे जाके हम एक एक ब्रांचेस जो आगे भी आ रही है स्लाइड्स में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं ओवरव्यू सिर्फ दे रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक्स किस चीज़ के साथ डील करता है। मॉर्फोलॉजी है वो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, हर जबान में नए नए अल्फाज बनते हैं, उसको किस तरह बनाया जाता है, उसकी तरतीब क्या होती है, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाता है। सिंटैक्स में कहते हैं कि अल्फाज तो बन गए, उनको तरतीब कैसे देनी है जुमले में, ये हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग, प्रैग्मेटिक्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज। सेमेंटिक्स में हम लॉजिकल मीनिंग देखते हैं, डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक चेयर की मिसाल दूँ तो चेयर को अगर हम डिक्शनरी में सर्च करें तो उधर यही डिफिनेशन आएगी कि कोई ऐसी चीज़ जिस पर बैठा जा सके। प्रैग्मेटिक्स में अगर हम चेयर की डिफिनेशन देखें तो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन अल्फाज की मीनिंग बदलते रहते हैं। चेयर की मीनिंग पावर भी हो सकती है, अथॉरिटी भी हो सकती है। तो माशर्ती तौर पे जो मीनिंग अल्फाजों को दिया जाता है, एसोसिएटिव मीनिंग जो होते हैं। हाउ लैंग्वेज इज लर्नड, जबान को किस तरह सीखा जाता है, इस सवाल का जवाब जो है लिंग्विस्टिक्स नीचे दिए गए ब्रांचेस का सहारा लेता है जब वो जवाब देता है। तो साइकोलिंग्विस्टिक्स में हम कंप्रिहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं, किस तरह जबान को समझा जाता है फिर उसको प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे लिसनिंग इज टू स्पीकिंग हो गई, हम सुनते हैं फिर हमारे दिमाग में स्टोर होता है फिर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं, रीडिंग करते हैं फिर हमारे दिमाग में किस हिस्से में स्टिमुलस क्रिएट करता है फिर उसको हम कैसे राइटिंग में बदलते हैं। इसमें हम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन भी देखते हैं, बच्चा किस तरह जबान सीखता है, ये भी साइकोलिंग्विस्टिक्स में आ जाता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में हाउ लैंग्वेज इज प्रेजेंटेड इन द ब्रेन, ये पढ़ा जाता है कि जबान जो है वो दिमाग में किस तरह उसको प्रेजेंट किया जाता है। जब कोई स्टिमुलस बाहर की आती है, मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ हम सुनते हैं तो वो दिमाग में कैसे स्टोर होता है, दिमाग के कौन कौन से हिस्से हैं जो कि जबान के प्रोड्यूस करने के लिए फिक्स है। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है वो जबान का सेंटर है। इसी तरह जो है अगर एक शख्स एक जबान में बोल रहा है तो दूसरे जबान में अगर वो शिफ्ट हो जाए तब दिमाग में कौन से स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलिंग्विस्टिक्स दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन जो है इसमें हम देखते हैं कि जबान फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, पहली जबान मादरी जबान हम कैसे सीखते हैं, दूसरी जबान जो है वो हम कैसे सीखते हैं, तो लैंग्वेज एक्विजिशन इसे कहते हैं और उसको जो है हाउ लैंग्वेज इज लर्न के अंडर पढ़ा जाता है। बिहेवियरलिज्म कहता है कि लर्निंग ए लैंग्वेज थ्रू रिपीटेशन एंड इमिटेशन, कि जबान को हम किस तरह सीखते हैं, बार बार हमारे सामने जबान रिपीट होती है हमारे माशरे में फिर उसको हम कॉपी करते हैं, तो ये थ्रू हैबिट जो है हम जबान को सीखते हैं।
इसके उल्टा जो है वो है इन कंट्रास्ट टू बिहेवियरिज्म मेंटलिज्म आता है कि रोल ऑफ माइंड इन लैंग्वेज लर्निंग, जबान को सीखने में दिमाग का क्या रोल है, किरदार है। हमारे अंदर पैदाइशी सलाहियत पाई जाती है कि हम जबान को सीख सकते हैं, ये हम। अच्छा, हाउ लैंग्वेज इज डिवेलप्ड, जबान किस तरह बनी, वजूद में किस तरह आई, ठीक है, किस स्टेजेस से गुजर के आई। तो इसके लिए हम पहले हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ लैंग्वेज चेंज ओवर टाइम, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डायक्रॉनिक स्टडी, कि जबान जो है वजूद में आई, फिर मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के आई, जब वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर रही थी तो उसमें क्या क्या चेंजेस आई। मिसाल के तौर पर अंग्रेजी जबान में क्या चेंजिंग आई, मिडिल इंग्लिश और ग्रेट वावल शिफ्ट जो 1500 सदी ईस्वी में आई, तो ये सब कुछ इसमें पढ़ा जाता है। सेमेंटिक्स चेंजेस इसमें पढ़े जाते हैं, फेनोलॉजिकल चेंजेस इसमें पढ़े जाते हैं, ग्रामेटिकल चेंजेस भी पढ़े जाते हैं। और इसके इन कंट्रास्ट टू हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स वी हैव सिंक्रोनिक स्टडी, जिसमें हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ते हैं। मतलब ओल्ड इंग्लिश हो गई, वो एक मखसूस वक्त है, ठीक है, और उस मखसूस वक्त में अंग्रेजी जबान किस हालत में थी, उसमें अल्फाजों की मीनिंग क्या आते, अच्छा अल्फाजों की तरतीब क्या थी, साउंड्स कितने पाए जाते थे, तो ये सब कुछ जो हम सिंक्रोनिक स्टडी में पढ़ते हैं। बस इसमें फ़र्क ये है कि डायक्रॉनिक स्टडी हम ड्यूरेशन लेते हैं किसी जबान की, और सिंक्रोनिक स्टडी में हम एक फिक्स टाइम में लैंग्वेज को स्टडी करते हैं। इथनोलिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज एंड कल्चर का कम्बिनेशन है, कि सकाफत किस तरह जबान पर असरअंदाज होती है, जिस तरह सकाफत ग्रो करता है उसमें नई नई चीज़ें आती है, सकाफत में कॉन्सेप्ट्स नए नए इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इसी तरह जबान में भी चेंजिंग आती रहती है, ठीक है। फिलोलॉजी में हम स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन ओरल एंड रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज, फिलोलॉजी में हम किसी जबान के तारीखी जो टेक्स्ट पाए जाते हैं ओरल हो या रिटन, तो उसको हम स्टडी करते हैं, लफ्ज उसकी ओरिजिन वगैरह, ये सब कुछ फिलोलॉजी में जो है हम पढ़ते हैं। फिलोलॉजी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के साथ कनेक्टेड है। लास्ट हमारे पास है हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, जबान को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है मुआशरे में, मुआशरे के कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो जबान के इस्तेमाल करने पर असरअंदाज करते हैं। एज हो गया, किसी बंदे का एज हो गया, उसकी एजुकेशन हो गई, बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, सब कुछ, यही जो है उसकी क्लास हो गई, ये सब कुछ जो है एक जबान के इस्तेमाल करने पे असरअंदाज करते हैं। इसमें सोशल लिंग्विस्टिक्स आ जाता है, जिसमें हम सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ते हैं, मतलब सोसाइटी के जबान के इस्तेमाल करने पे क्या असरअंदाज होता है, सोसाइटी में कितने तर्ज के क्लासेस पाए जाते हैं, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इन तीनों के जबान के इस्तेमाल करने में फ़र्क होता है, तो कौन कौन से अवामिल होते हैं, तो हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते हैं। डायलेक्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ डायलैक्ट्स पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर एक जबान के मुख्तलिफ डायलैक्ट्स होते हैं, फॉर इंस्टेंस इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके मुख्तलिफ डायलैक्ट्स हैं, ठीक है, काकनी है और स्कॉटिश है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उस अलग अलग डायलैक्ट्स को पढ़ने के लिए हम डायलेक्टोलॉजी का ही सहारा लेते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस पढ़ते हैं, मतलब एक जुमले से बियॉन्ड क्या आता है, पूरे के पूरे टेक्स्ट आ जाते हैं, ओरल भी होते हैं, रिटन भी होता है, जिसे ओरल डिस्कोर्स भी कहते हैं, रिटन डिस्कोर्स कहते हैं, और पॉलिटिकल डिस्कोर्स होता है, रिलीजियस डिस्कोर्स होता है, तो ये सब कुछ जो है डिस्कोर्स एनालिसिस में पढ़ते हैं, टेक्स्ट की एनालिसिस की जाती है इसमें। स्टाइलिस्टिक्स में हम स्टडी ऑफ डिवाइसेस इन लैंग्वेज कर पढ़ते हैं, कि एक जबान में एक राइटर रिटोरिकल डिवाइसेस कैसे इस्तेमाल करता है, मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, और भी बेशुमार लिटरी डिवाइसेस हैं जो कि इस जबान के इस्तेमाल करने में हमारे मदद करते हैं और उसे खूबसूरत बनाते हैं, तो राइटर किस तरह डिवाइसेस का सहारा लेते हैं, ये स्टाइलिस्टिक्स में हम किसी रिटन वर्क पे अप्लाई करते हैं। रजिस्टर जो है ये एक द वे अ स्पीकर यूजेस लैंग्वेज डिफरेंटली इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, मतलब एक बोलने वाला, जबान का बोलने वाला, वो
सिचुएशन टू सिचुएशन अपने ज़बान कैसे बदलता है। अगर वो किसी हाई फॉर्मल सिचुएशन में हो, ठीक है, तो उधर उसकी ज़बान कैसे होती है, मीटिंग में हो। अगर वो इनफॉर्मल दोस्तों के साथ हो, तब उसकी ज़बान कैसे होती है और उसकी वोकेबलरी कैसे बदलती है। फॉर्मल वोकेबलरी होती है, ठीक है, इनफॉर्मल वोकेबलरी होती है, तो ये रजिस्टर में हम पढ़ते हैं। एक्सेंट ये होता है मैनर ऑफ प्रोनंसिएशन, के किस तरह अल्फाज या ज़बान की प्रोनंसिएशन एक शख्स की कैसी है। इसमें आइडियोलेक्ट्स भी आ जाते हैं, हर बंदे का जो कहने का स्टाइल होता है, ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश एक्सेंट भी, अमेरिकन एक्सेंट भी है, कॉकनी एक्सेंट भी है, स्कॉटिश एक्सेंट भी है, बहुत से अंग्रेजी ज़बान के एक्सेंट पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सब के सब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। और हम आगे जो है स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल की बुक चैप्टर वाइज जो है एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर